अच्छा ऐसा। तुझे? मुझे तो सब पसंद ही है। निमेश को बहुत पसंद। Hey guys, very good morning and welcome to my new vlog. I hope you all are doing well. तो मैं बात करके रेडी हो चुका हूँ। थोड़ा बहुत वर्कआउट भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो कल हम जो प्लेस पे गए थे एडवेंचर करने के लिए, तो अभी वहाँ पे काफ़ी मज़ा आया हमको। और तभी में हम सोच रहे हैं कि अगर ऐसी दो तीन प्लेस हमको मिल जाएगी तो अभी हम नेक्स्ट वहीं पे जाने की सोच रहे हैं। और वहाँ पे जो आपको मेरे पीछे जो गार्डन दिख रहा है, तो अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ क्योंकि काफ़ी दूर है। ये जो गार्डन है वो मेरे फ्रेंड की सोसाइटी में, वहाँ पे अभी मैं सोच रहा हूँ मॉर्निंग में वर्कआउट और रनिंग करने की। अगर मेरा फ्रेंड अगर रेडी होता है तो अभी मैं मॉर्निंग में वहाँ पे ही वर्कआउट करेंगे। अगर वो रेडी नहीं होगा तो मुझे मेरी सोसाइटी में, अदरवाइज मेरी बालकनी में ही वर्कआउट करना पड़ेगा। तो अभी नीचे चलता हूँ, जो काम स्टार्ट हुआ है टाइल्स पे कलर करने का, तो अभी देखता हूँ नीचे जाके। तो अभी सब चीज़ इधर रखी हुई है, इसको कहीं पर रखना पड़ेगा। तो मैं नीचे चलता हूँ। तो ही मैंने कॉफ़ी पी ली है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं पीने वाला क्योंकि आफ्टरनून में फिर से पीनी है जिम जाने से पहले। तो आज वेदर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हवा चल रही है। तो अभी जो टाइल्स में कलर का काम है वो अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। तो अभी मैं पार्किंग में चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सब क्लीन अप हो गया है अभी पार्किंग में, तो ये सब चीज़ को अभी हटाना पड़ेगा। और यहाँ इस टायर पर आज कलर करना पड़ेगा क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ा कलर का काम बाकी है। तो अभी आगे चलता हूँ। ये बैठने के लिए जो बनाया था हमने वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी गोविंद भाई कलर का काम स्टार्ट कर दिया है। कैसा लगे का कलर गोविंद भाई? बहुत अच्छा। अगर रेड नहीं करते तो इसका अलावा का कौन सा कलर अच्छा लगता है? रेड के सिवाय? रेड के सिवाय ग्रे भी अच्छा लगता है। ग्रे के साथ कौन सा लेना पड़ता है आपको? लाइट ग्रे। लाइट ग्रे। मैं उठ गया हूँ, अभी मैं पहले रेडी हो जाता हूँ क्योंकि अभी हमको जाना है अमलसर, वहाँ पे एक मंदिर है वहाँ पे हमको जाना है। तो कल के ब्लॉग में जो मेरे फ्रेंड आए थे वो ही आ जाएंगे, तो अभी उन लोगों को मैंने फ़ोन कर दिया है, वो लोग आ रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था क्योंकि कल रात काफ़ी लेट हो चुका था एडिटिंग करने में। तो जैकेट पहनता हूँ क्योंकि अभी आफ्टरनून के टाइम पर काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो अभी मैं पहले जैकेट पहन लेता हूँ और रेडी होकर आप सबको नीचे ही मिलता हूँ। तो अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, तो अभी कपिल और निमेश भी आ चुके हैं। हाय गाइस। तो अभी निमेश तुझे क्या देखना है बोलो? प्लांट दिखा दे भाई। चल तो अभी निमेश को प्लांट्स देखने। तो अभी मोस्ट ऑफ प्लांट्स आगे ही है, थोड़े बहुत ही पीछे है। तो अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, जो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत प्लांट्स रखे हैं। तुझे कौन से प्लांट्स अच्छे लगते हैं? मुझे तो स्नेक प्लांट पसंद है यार। स्नेक प्लांट आगे है। निमेश तुझे? मुझे तो सब पसंद ही है। निमेश को बहुत सब पसंद है। इनमें से कोई पसंद है तुझे निमेश? घर में रखने के लिए इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स झलक के वहाँ देखना पड़ेगा, है ना? रोज पसंद है तुझे? निमेश को एलोवेरा पसंद है, वो स्किन के लिए अच्छा रहता है। यहाँ पे है थोड़े बहुत रोज, एलोवेरा अच्छे लगते हैं। रोजेस में कौन से कलर अच्छे लगते हैं? रेड। रेड उसने रेड पहना है। चलो अभी हम चलते हैं जहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो अभी नीचे का टाइल्स का काम कुछ इतना हुआ है, अभी आइवरी कलर ये कलर का काम बाकी है, वो कल होगा। तो अभी हम जहाँ पे जाने वाले उसके लिए हम निकलते हैं। तो आप सबको मैं सीधा कार में ही मिलता हूँ। कपिल कितना किलोमीटर बाकी है अभी? 10 किलोमीटर जितना है भाई अभी तक। ये अभी डांडी बीच ओपन है? डांडी बीच तो यार क्लोज कर दिया है। और मेमोरियल? मेमोरियल का आप पूछना पड़ेगा, कोविड केसेस बहुत हो गए ना अभी। निमेश कुछ किसी को पूछ के बताना मेमोरियल ओपन है। एक फ्रेंड है मेरा, चलो ना इसको पूछ के बता दूँ। वहाँ पे मैं जाने की सोच रहा हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। वहाँ जा सकते हैं काफी अच्छा मेमोरियल बनाया है। मैं एक दो बार जाके आया हूँ 2-3 महीने पहले, अभी तो पता नहीं ओपन है कि बंद है, अभी वो पूछना पड़ेगा यार किसी को। निमेश नवसारी के आसपास में कोई घूमने के लिए प्लेस है? वही अंजल माछीवाड़ा सब कुछ है। अंजल बीच तो मैं जाके आया। और डुमस जाना है? नवसारी के नजदीक आसपास में है तो उबराट है, अमरसाड़ है यार, बिल्ली मोरा है। अमरसाड़ तो अभी जा रहा है, अभी हम बिल्ली मोरा है। बीच की बात कर रहा हूँ मैं, बीच उबराट। उबराट उबराट ही है, उबराट भी बंद है, सभी बीच बंद है अभी तो कोविड की वजह से। कोविड की वजह से तभी हम पहुंच चुके हैं अमलसर, जिस प्लेस पे हम जाने वाले थे। तभी आपको मैं दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ पे कार पार्क कर देता हूँ।
एंट्री अंतेश्वर महादेव मंदिर। तो अभी यहाँ से जाना है तो पहले यहाँ पे हम थोड़ा घूम के आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा गार्डन है यहाँ पे। तो अभी आगे चलते हैं। निमेश कैसा लगा ये प्लेस? श्री अंतेश्वर महादेव मंदिर। आगे जाने कभी यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है तो यहाँ पे नाम लिखे गए हैं और मैप में भी दिखाया गया है। तो अभी अंदर चलते हैं। दर्शन करके आ चुके हैं तो अभी मंदिर में तो वीडियो शूट करना अलाउ नहीं था इसलिए अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे बैठने के लिए। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर के बैठते हैं और आगे निकलते हैं। नहीं मैं कैसा लगा मंदिर? बहुत ही बढ़िया है। वेदर काफ़ी अच्छा है ना आज का? वेदर भी अच्छा है और काफ़ी अवलौकिक मंदिर है ये। तो अभी आगे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। तो अभी हम मंदिर से निकल चुके हैं तो अभी हम खाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी निमेश को पूछता हूँ उसको क्या खाना है। निमेश क्या खाना है तुझे? उबाड़ियों खाते हैं हम लोग तो बोल रहे हैं। कपिल तुझे कुछ खाना है? नहीं भाई मुझे तो कुछ नहीं खाना है। तो अभी उबाड़ियों खाने के लिए चलते हैं। तो अभी आप सबको मैं सीधा शॉप पे ही मिलता हूँ। उबाड़ी रेडी हो रहा है गर्मा गर्म। अभी यहाँ पे जाके बैठते हैं पहले। तो अभी उबाड़ी आ चुके हैं तो इसमें आती है पापड़ी पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। तो अभी टेस्ट करता हूँ और देखता हूँ कैसा लगता है। आज तो मैंने लंच भी नहीं किया था, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है मुझे तो इसमें ऐसी टाइप की पापड़ी आती है। निमेश की छाछ भी आ चुकी है। निमेश की छाछ आ चुकी है क्योंकि उबाड़ी काफ़ी तीखा होता है। तो अभी देखते हैं। कभी तुझे खाना है? नहीं मुझे नहीं खाना भाई। टेस्ट तो कर। नहीं नहीं है। काफ़ी अच्छा है, मुझे तो ये काफ़ी पसंद है उबाड़ी में। तो अभी हम खाते हैं फिर घर जाने के लिए निकलते हैं। तो अभी मैं मेरे रूम में आ चुका हूँ डिनर करके। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बालकनी में जाऊँ थोड़ी देर के लिए बॉनफायर करो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है अभी। तो अभी वेदर थोड़े दिन के लिए ऐसा ही रहने वाला है हमारे सिटी में। तो अभी इस व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ क्योंकि अभी मुझे इस व्लॉग की वीडियो एडिटिंग भी करनी है। तो अभी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।